Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the MCQs which are important for your CMAT examination. So I have been receiving a lot of requests from you people that please make a series on CMAT exam. So I have started this series. So before I start, I want to convey one thing that if you want to enroll to CMAT course, you can do that by messaging me on WhatsApp at 7764869624. There is a small fee for that. You will have to pay that amount. And after you pay that amount, you will get the PDFs of all the videos. Plus, you will get a lot of MCQs which are not in the videos. And along with that, you will get a testing platform. So as you can see, this platform was previously used for testnet examination. Here only I will upload CMAT questions. So you can practice here also. You can learn, you can use flashcards to learn, and then you can take test as many times as possible. So it is very good and very efficient platform for learning. So the first question says, which of the following is unorthodox school of Indian philosophy? So इसी concept पे last year एक question आया था कि अद्वैत वेदांत philosophy जो है वो किसके द्वारा propound हुआ था? सो यहाँ पे ब्रॉडली हम समझते हैं कि जो एंशियंट इंडियन फिलोसफीज हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा जाता है. एक है ऑर्थोडॉक्स, दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी वेदास को मानते हैं. अनऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी वेदास को नहीं मानते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी बहुत सारे स्कूल है, आजीविका स्कूल है, ठीक है. सो इनमें से कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि सोर्स ऑफ फिलोसफी वेदा को नहीं मानता है? पहला है अद्वैत फिलोसफी, सेकेंड वन से सांख्य फिलोसफी, थर्ड बोलता है चार्वाक फिलोसफी और डी बोलता है न्याय फिलोसफी. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्वाक फिलोसफी जो कि एक तरह का मटेरियलिज्म है. तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं बेसिकली. तो छह हमारे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं. पहला है अद्वैत वेदांत, दूसरा है न्याय, तीसरा है वैशेषिका, चौथा है सांख्या, देन कम्स योगा एंड लास्टली मीमांसा. सो ये सारे क्या हो गए? ऑर्थोडॉक्स हो गए. और नीचे जो चार हैं वो एग्जाम्पल है अनऑर्थोडॉक्स के, जिसका पहला एग्जाम्पल है जैनिज्म, दूसरा है बुद्धिज्म, तीसरा है आजीविका और चौथा है लोकायत. सो ये लोकायत फिलोसॉफी जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? चार्वाक फिलोसॉफी. इसको लोकायत या फिर चार्वाक फिलोसॉफी भी बोला जाता है. तो ये फिलोसॉफी जो है वो एक तरह का एग्जाम्पल है अनऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी का. सेकेंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल. तो ऐसा क्वेश्चन भी पिछले साल आया था जिसमें आपको क्वेश्चन था सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं या सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं. तो इन चारों ऑप्शन को अगर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो इसी में से कोई एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा. तो ब्लू विट्रियोल बेसिकली होता क्या है? सो ब्लू विट्रियोल बेसिकली यूज होता है एज अ फंगीसाइड इन आवर एग्रीकल्चर. और ये होता क्या है? ये होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है. ये तो पता चल गया. अब लास्ट के तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी अगर आप याद कर लीजिएगा तो इसी चारों में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. खाने में यूज होता है. जबकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं. एंड देन वी हैव सिल्वर क्लोराइड. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर. सो यहाँ बेसिकली सिल्वर क्लोराइड जो है इधर होना चाहिए था और हॉर्न सिल्वर उस साइड होना चाहिए था. इसी तरह ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? ब्लू विट्रोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को जो कि एक तरह का फंगीसाइड होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया का जो कैलेंडर है उसका फर्स्ट मंथ कौन सा है. तो इंडिया का पहले कैलेंडर कौन सा है ये तो पता होना चाहिए ना. तो ABCD ऑप्शन दिया गया है. पहला बोलता है विक्रम एरा, दूसरा बोलता है साका एरा, तीसरा बोलता है गुप्ता एरा एंड डी बोलता है जॉर्जियन कैलेंडर. तो जॉर्जियन कैलेंडर जो है उसको हम नेशनल कैलेंडर नहीं मानते हैं ऑल्दो उसको यूज हम करते हैं. सो बेसिकली नेशनल कैलेंडर ए बी या फिर सी में से कोई एक होगा. पहला बोलता है विक्रम एरा जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, विक्रम संवत जिसको बोलते हैं. सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साका एरा या सालिवाहना साका कैलेंडर. सो यहाँ बोलता है द सालिवाहना साका कैलेंडर इज यूज्ड अलोंग द जॉर्जियन कैलेंडर
by the Gazette of India in news broadcasts by All India Radio and in calendars and communications issued by Government of India. As I said earlier that Georgian calendar ko national calendar nahi mante hain, to national calendar kya ho jayega? Saka era. Aur iska pura naam kya hai? Salivahana Saka calendar. Now coming to fourth question, ye bolta hai, who of the following Indian was awarded the Legion of Merit by the US? अभी दिसंबर 2020 में ये हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. ए ऑप्शन बोलता है अमिताभ बच्चन, बी कहता है रामनाथ कोविंद, सी कहता है अभिजीत बैनर्जी और डी कहता है नरेंद्र मोदी. सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी. ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपको जानने के लिए वो है, ये हाईएस्ट सिविलियन नहीं, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है. और ये क्यों दिया गया है? ये दिया गया है स्ट्रैटेजिक इंडो यूएस पार्टनरशिप को आगे करने के लिए, डेवलप करने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज द वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज सब्सटेंशियली डिसअपीयर्ड इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. यानी कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक हुआ करता था वर्ल्ड का, लेकिन कुछ सालों में या कुछ डिकेड्स में हम बोल सकते हैं वहां से पानी डाइवर्ट किया जाने लगा और अब ये बहुत ज्यादा सूख चुका है. तो कौन सा सही आंसर होगा? पहला बोलता है कैस्पियन सी, दूसरा बोलता है बैकाल लेक, तीसरा बोलता है लेक सुपीरियर और चौथा बोलता है अरल सी. सो बेसिकली द आंसर विल बी अरल सी. तो अरल सी जो है एक तरह का इंडो हेरिक बेसिन है. तो इंडो हेरिक बेसिन बेसिकली क्या होता है? जिसका कनेक्शन किसी सी से नहीं होता है, ठीक है, उसको इंडो हेरिक लेक बोलते हैं. तो ये अंदर ही अंदर इसका वाटर रहता है. तो यहां से क्या हुआ, डाइवर्ट किया जाने लगा वाटर को. जैसा आप नीचे पढ़ सकते हैं, वंस द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट लेक द अरल सी इन सेंट्रल एशिया हैज बीन लूजिंग वाटर फॉर हाफ अ सेंचुरी एवर सिंस सोवियत इंजीनियर्स बिगैन डाइवर्टिंग द टू रिवर्स दैट सस्टेन इट द अमुदारिया एंड सेदारिया इन ऑर्डर टू ग्रो कॉटन इन द डेजर्ट. तो यहां से पानी जब निकाला जाने लगा तो ये सूखना शुरू हो गया और लगभग 50 सालों में ये ऑलमोस्ट सूख चुका है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है. अमरावती द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. ए बोलता है गोदावरी, जो कि ऑब्वियस सा ऑप्शन लगता है लेकिन इनकरेक्ट है. बी बोलता है कृष्णा, सी बोलता है तुंगभद्रा एंड डी बोलता है मूसी रिवर. तो मूसी रिवर पे आपको हैदराबाद लोकेटेड है. सो कृष्णा नहीं तो तुंगभद्रा में से एक आंसर होगा. सो बेसिकली इसका आंसर कृष्णा होगा, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं. ये अमरावती जो है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है और कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है. नाउ कम टू सेवेंथ क्वेश्चन, ये बोलता है व्हाट इज द लोवेस्ट टोटल बाय टीम इंडिया इन अ टेस्ट इनिंग. तो अभी जस्ट ये रिकॉर्ड बना है तो आपको पता होना चाहिए. पहला बोलता है 22 रन्स, दूसरा बोलता है 36 रन्स, फिर बोलता है 42 रन्स और डी बोलता है 32 रन्स. तो इसका जो आंसर होगा आप सबको शायद पता होगा, 36 रन्स होगा. जबकि पूरे टीम मिला के जो सबसे लोएस्ट है वो 26 रन का है, न्यूजीलैंड का है. और इससे पहले जो इंडिया का लोएस्ट टोटल था वो था 42 रन्स. और ये रिकॉर्ड कब बना है? 17th ऑफ दिसंबर 2020 को. नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ए बोलता है आपातानी, बी बोलता है ईदू मिशमी, सी बोलता है नैशी ट्राइब एंड डी बोलता है सेंटिनेलीज. तो इसका आंसर बहुत इजी है, सेंटिनेलीज हो जाएगा. सेंटिनेलीज आर अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ये इंपॉर्टेंट है, जबकि ऊपर का तीनों ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है. सो अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब्स के बारे में हम देखेंगे अभी. पहला इंपॉर्टेंट ट्राइब है ईदू मिशमी. सो इस ट्राइब का जो टेक्सटाइल है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसको GI टैग रिसेंटली दिया गया है, इसलिए ये अभी न्यूज में था, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए. सेकेंड नैशी ट्राइब जो है वो फेमस है बिकॉज ऑफ बीक ऑफ हॉर्नबिल जो होता है उसको ये पहनते हैं अपने सर पे. आपको दिख रहा होगा एक चिड़िया होती है हॉर्नबिल, उसका बीक होता है वो अपने सर पे ये पहनते हैं. नौ आपातानी जो होता है वो आपातानी आपको दिख रहा होगा ऊपर ट्राइब है,
ये लोग कहाँ पे ड्वेल करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली करके एक जगह है, वहाँ पे ड्वेल करते हैं, तो ये भी फेमस है, न्यूज़ में रहते हैं। सो एक एक दिन करके हम जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जिस भी स्टेट का, दो तीन करके हम समझते जाएंगे। तो आज हमने तीन ट्राइब देख लिया अरुणाचल प्रदेश का, इदु मिश्मी ट्राइब, नईशी ट्राइब एंड आपातानी ट्राइब, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जीरो वैली कहाँ लोकेटेड है, जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल फॉर टूडे। एंड दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू इनरोल टू द कोर्स कैन मैसेज मी एट 7764869624। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।